सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय। यहां तो इतने लोग हैं उपस्थित, लेकिन बैठे नहीं है कोई व्यवस्थित। ये सब देख करके थोड़ा सा होता है कष्टित मन। तो आप लोग व्यवस्थित बैठे, निवेदन है आपसे विनम्र हाथ जोड़ करके। और जो माता बहने या महिलाओं के लिए है उसमें महिलाएं रहे बस, और जो पुरुषों के लिए हैं उसमें केवल पुरुष रहे। जहां तहां बैठने से ठीक नहीं होता है। व्यवस्थित रहेंगे तभी तो आपके अंदर सद्ज्ञान उपस्थित होंगे। तो साहेब की आज्ञा हुई है, एक भजन रखने का प्रयास करता हूं। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाए, आँखि न सूझे बावरा, घर जर घूर बुताए। गुरु को की जय बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, 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 पाई अमर निशानी, पाई अमर निशानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। काग पलट गुरु हंसा कीन है, दीन्हे नाम निशानी, काग पलट गुरु हंसा कीन है, दीन्हे नाम निशानी, हंसा पहुँचे सुख सागर पर, हंसा पहुँचे सुख सागर पर, मुक्ति भरे जहाँ पानी, मुक्ति भरे जहाँ पानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है, बाहर भीतर पानी, जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है, बाहर भीतर पानी, निकसे ओ कुंभ जल जल ही समाना, निकसे ओ कुंभ जल जल ही समाना, या गति बिरले ने जानी, या गति बिरले ने जानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु
मिले ब्रह्म ज्ञानी है अथाह थाह संतन में दरिया लहर समानी है अथाह थाह संतन में दरिया लहर समानी धीवर जाल डाल का करी है धीवर जाल डाल का करी है जब मीन पिघल भए पानी जब मीन पिघल भए पानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी सो है अकथ कहानी अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी सो है अकथ कहानी कहे कबीर गूंगे की बैन कहे कबीर गूंगे की बैन जिन जानी उन मानी जिन जानी उन मानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी 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 पाई अमर निशानी पाई अमर निशानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हमारे सहयोगी श्री रामलाल साहब जी से बहुत सुंदर भजन सुन रहे थे। आइए भजनों की ओर पुनः मैं ले चलता हूँ। हमारे भी संस्थान के ही संतगण उपस्थित हैं। श्री संत राम साहब जी उपस्थित हैं, आपसे निवेदन है आप एक भजन प्रस्तुत करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी मुद मंगलमय संत समाज सत्संग प्रेमी भाइयों बहनों मृत्यु न छोड़ा काहु को हो कितना बलवान उसके सम्मुख हर कोई दिखे एक समान मृत्यु निकट सबके खड़ी पल पल रही जगाए उसके सम्मुख हर कोई दिखे एक समान मृत्यु निकट सबके खड़ी पल पल रही जगाए मुझको छड़ भर के लिए मत दी दे विश्राम सितंबर 26
2012 की कहानी है। रो उठे भक्त लाखों, आँख में भर आया पानी है। सदा सच्चाई से भाई, जिस बसर से काम होता है। बाद मरने के दुनिया के अंदर नाम होता है। पूज गुरु अभिलाग साहेब की महिमा यगम अपार। क्या थे वह था उनमें क्या जानेगा कोई जान रहा। देखत देखत उड़ गया गया तो कौनी ओर। यहाँ कोलाहल है मचा कह के मोरे ओ मोर। तो गैला कहाँ लुकाई हे सुगना। गैला कहाँ लुकाई हे सुगना। गैला कहाँ लुकाई हे सुगना। ज्ञान का मार्ग दिखा लाखों की आंखें खोल दिया है। खुले मंच पर आवसार शब्दों को बोल दिया। कुछ भी नहीं है छिपाई हे सुगना। गैला कहाँ लुकाई हे सुगना। कौन हूँ मैं संसार है क्या खुल करके यह समझाया। इसको परखा वही जो मन सारा द्वंद मिटा। शोधक उदय को बनाई हे सुगना। गैला कहाँ लुकाई हे सुगना। नहीं रहा आभास की ऐसा अद्भुत खेला हुए। नहीं रहा आभास की ऐसा अद्भुत खेला हुए। पागर नहीं रहा आभास की ऐसा अद्भुत खेला हुए। नहीं रहा आभास की ऐसा अद्भुत खेला हुए। पाकर खबर अचानक कितने धैर्य हृदय का को। सुन के जिया घबराई है सुगना। गैला कहाँ लुकाई है सुगना। दृष्टि अनेकों आपके दर्शन को लालायित रहती। दृष्टि अनेकों आपके दर्शन को लालायित रहती। प्रेम आपके प्रति जैसा उसे धार में बैठ। सबको दी हाथों भुलाई हे सुगना। गैला कहाँ लुकाई हे सुगना। मिले सोचना जे छड़ लाखों नैन से नीर बहाए। मिले सोचना जे छड़ लाखों नैन से नीर बहाए। हो उदास सदगुर की ओर दौड़े दौड़े आए। दियर जरा न लगाए हे सुगना। तीर जरा न लगाए हे सुगना। हाँ दियर जरा न लगाए हे सुजना। देखा जिधर भीड़ थी भारी भीड़ का नहीं ठिकाना। देखा जिधर भीड़ थी भारी भीड़ की नहीं ठिकाना। हाँ देखा जिधर भीड़ थी भारी भीड़ का नहीं ठिकाना। नहीं रहा या भास की ऐसा अद्भुत खेला।
हाँ देखा जिधर भीड़ थी भारी भीड़ का नहीं ठिकाना। देखो पद भूल रहा हूँ उठाते। हाँ गई ले कहाँ लुकाई हे सुगैना। गुरु जी नित हम सब पर अपनी दया की दृष्टि घुमाए। गुरु जी अपनी दया की दृष्टि हम सब पर घुमाए। गुरु जी नित हम सब पर अपनी दया की दृष्टि घुमाए। वही रहा खुशहाल जोड़ के सीख मल मेला। भ्रम को दिया है भगाई हे सुगैना। गई ल कहाँ लुकाई हे सुगैना। पूज गुरु अभिलाग साहेब की हो गई अमर कहानी। पूज गुरु अभिलाग साहेब की हो गई अमर कहानी। मानव तन पाकर मानव के सफल किया जिंदगा। आप में समाई हे सुगैना। आप में समाई हे सुगैना। गई ल कहाँ लुकाई हे सुगैना। सच्ची श्रद्धांजल साहेब के सही यही हारो। सच्ची श्रद्धांजल साहेब सही यही है यारो। जो उपदेश किए हैं वह उस पर अपना पगधा। लीजय हिरिया में बसाई हे सुगैना। गई ल कहाँ लुकाई हे सुगैना। कहें रामधारी गुड़ उनका कहाँ तलक को गाए। कहें रामधारी गुड़ उनका कहाँ तलक को गाए। जो उपदेश दिए हैं उसी राह पर चल के अपना जीवन सफल बनाओ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हमारे संस्थान के संत श्री संत राम साहेब से सदगुरु अभिलाष साहेब की जीवनी पर आधारित सुंदर भजन सुन रहे थे। आइए अब विचारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे संस्थान के संत श्री अनुराग साहेब जी उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है आप आए और कुछ देर हम लोगों के बीच विचार प्रस्तुत करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुल खिले गुलशन खिले और खिले आप सबकी जिंदगी। पंडाल में बैठने वाले सभी संतों भक्तों से हमारी त्रैबार साहिब बंदगी। अर्चनी बंदनी संत समाज सत्संग प्रेमंदियों श्रद्धा मूर्ति देवियों कुछ समय में भी आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। एक कबीर पंथ के संत थे। जैसे आश्रम से बाहर निकलते हैं एक मुस्लिम लड़का महात्मा जी को देख करके साहेब बंदगी किया और साहेब बंदगी करने के पश्चात उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। महात्मा जी बड़े चक्कर पड़ गए। इसने साहेब बंदगी भी किया अस्सलाम वालेकुम भी किया, इसका मतलब क्या है? महात्मा ने कहा बेटा ये बताओ तुमने साहेब बंदगी किया और अस्सलाम वालेकुम किया, इसका क्या मतलब? कहा महाराज इसका मकसद ये है कि मैं आपको जानता हूँ, आप कबीर पंथ के संत हैं। अब आप आश्रम सभी निकले हैं इसलिए मैंने आपसे साहेब बंदगी किया और जो मैंने आपसे अस्सलाम वालेकुम किया इसलिए किया कि आपकी ना तो चोटी है और ना तो मुच्छ है। ना तो आपके पास चोटी है और ना मुच्छ है इसलिए मैं समझ गया कि आप मुसलमान हैं। महात्मा जी ने कहा बेटा ठीक किया तूने, अच्छा, लेकिन एक बात करना, तो अपनी माँ के पास जाना, अपनी माँ से पूछना कि माँ जब मैं पैदा होकर के आया था
तो चोटी और मोछ रख के आया था या खतना करा के आया था? अपने पिता से पूछना कि पिताजी जब आप इस दुनिया में आए थे तो चोटी और मोछा रख के आए थे, खतना करा के आए थे? अपनी माँ से पूछना कि माँ जब इस दुनिया में तू आई थी तो हिंदू बन के आई थी या मुसलमान बन के आई थी? इसी पे कवि को लिखना पड़ गया, हिंदू के घर में जन्मा, हिंदू के घर में जन्मा हिंदू कहलाया, मुस्लिम के घर में जन्मा मुस्लिम कहलाया, सिख ईसाई के घर में जन्मा सिख ईसाई कहलाया, अफसोस है कि मानव के गर्भ से जन्मा मानव न कहलाया। एक नवजात बच्चा आपको मिले शिष्य के रूप में, जिसका ना जनेऊ हो ना खतना हो ना चोटी हो, आप उसको क्या कहेंगे? हिंदू कहेंगे या मुसलमान कहेंगे, सिख कहेंगे या ईसाई कहेंगे, क्या कहेंगे आप? आदमी बनता है, हिंदू बनते हैं, मुसलमान बनते हैं, सिख बनते हैं, ईसाई बनते हैं, ये बनने में ही झगड़ा है, बनना सब छोड़ दो। गुरु कबीर कहते हैं, तहिया हम तुम एक ऐ लोहु, एक ऐ प्राण व्यापय मोहु, एक ऐ जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। सुनत कराए तुरुक जो होना औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए, पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहराया, वो जन्म की सुदृढ़ पर से तुम पानी क्यों खाया। साहब कहते हैं, अरे भाई जब तुझ दुनिया में आया था तो क्या खतना करा के आया था क्या? अगर अल्लाह ताला को ये खतना मंजूर हुआ होता तो जो शरीर की माँ के गर्भ में 9 महीने शरीर का निर्माण कर सकता है उस सुन्नत को भी करा करके भेज सकता था, लेकिन तूने बाहर आने के पश्चात सुन्नत कराया, इसका मतलब खुदा की बनाई हुई चीजों पे तुमको विश्वास नहीं है, अपनी बनाई हुई चीजों पे तुमको विश्वास है। गुरु कबीर कहते मानो तू सबसे महान। हिंदुओं की बात वही, चोटी रख लिए, जनेऊ पहन लिए, ये सब बाहरी कृत्य है, हम बनते हैं, बनने में सारा झगड़ा है। इसी पे कवि को लिखना पड़ गया कि आदमी की शक्ति से, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। ये आदमी की करामात है, जहां देखो मजहबों का झगड़ा, इंसान की देन है। अगर इंसान ना हो दुनिया में तो कहीं भगवान का निर्माण भी नहीं होगा, कहीं देवी देवता का निर्माण नहीं होगा। एक कवि ने लिखा है कितना सुंदर, लोग कहते हैं कि भगवान की फैक्ट्री में, भगवान की फैक्ट्री में इंसान का निर्माण होता है, ये बात उतनी सच नहीं है, सच ये है कि इंसान की फैक्ट्री में भगवान का निर्माण होता है। आदमी मंदिर बनाता है, मस्जिद बनाता है, गिरजाघर बनाता है, गुरुद्वारा बनाता है, इंसान एक अनगढ़ पत्थर को ले आता है, छीनी और हथौड़ी के माध्यम से उसको देवी और देवता का रूप देता है, राम का रूप देता है, कृष्ण का रूप देता है, हनुमान का रूप देता है, और मंदिर में ले जाकर के स्थापना कर देता है। अतमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव। देवा उसकी प्रार्थना करता है, आरती करता है, उतारता है, और उसे तमाम प्रकार की आरती विनत करता है कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, लेकिन जब उसकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है उस पत्थर को तोड़कर फेंक देने वाला भी इंसान है। गुरु कबीर कहते मानव तू सबसे महान। इसी पे कवि की एक बात आती है, आए थे हम क्या कर बैठे, आए थे हम क्या करने और क्या कर बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। एक कबीर पारख मंच है, यहाँ पे सारे संस्कारों का, कुसंस्कारों का खात्मा किया जाता है, सारे अंधविश्वासों को मिटाया जाता है, हमने बनाया है, आपने बनाया है,
और अपनी बनाई हुई चीजों में आप भूल गए हो, उसी के सामने हाथ जोड़ते हो, गिड़गिड़ाते हो। यहाँ तक पंडित लोग शादी विवाह में गाय का गोबर, गोबर गणेश की पूजा कराते हैं, जबकि गणेश का मतलब होता है, हमारे भारतीय परंपरा में कोई भी शुभ कार्य जब किया जाता है श्री गणेशाय नमः, किसी कार्य के शुरुआत को गणेश कहा जाता है, उसका इतना मतलब होता है, बाकी कोई मतलब नहीं। आप लोगों ने कागज में देखा होगा गणेश के सर के नीचे का जो भाग है मनुष्य की आकृति है, गले के ऊपर का भाग हाथी का सूंड। क्या आपने ऐसा कहीं प्रकृति का सिस्टम देखा होगा क्या? अगर किसी के शरीर को आपने देखा होगा तो मेरे को बता देना कि महाराज मैंने देखा है। खाली कागज में आपने देखा होगा, बाहर आपने कहीं नहीं देखा होगा। कहावत है ना कि शंकर जी हाथी के सर को काट करके ज्वाइन कर दिए, कहीं लंबी हो जाएगी बढ़ाना नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों विज्ञान चरम सीमा को छू रहा है, आप सब शिक्षित हैं। अगर हाथी के शरीर को जोड़ करके इंसान गले में जोड़ दिया जाए आदमी उसके पूरा घुस जाएगा। लेकिन कहा न मानो तो लिखा देख लो, पता नहीं क्या क्या चीजें लिखा है। इसी पे कबीर साहब कहना पड़ गया, साच कहो जग मारन धावे झूठे जगपतियाना, संतो देखत जग बौराना। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, पता नहीं क्या क्या चीजें लिखा हुआ है। विचार करो, गुरु कबीर कहते हैं करहु विचार तो सब दुख जाए। और महापुरुषों ने कहा है ब्रह्मावाच विष्णुवाच शंकरवाच, गुरु कबीर कहते कोई वाच नहीं है, सारा वाच तुम्हारा है, सारा बात तुम्हारा है। विचारों पे विचार करना कोई बुरा नहीं है। धार्मिक लोग क्या कहते हैं, अरे तुम गीता पे विचार करोगे, उस पे तर्क करते हो, वेद पे तर्क करते हो, तुम नास्तिक हो जाओगे, बेदीन हो जाओगे, दोजक की आग में जलाए जाओगे, गुरु कभी तक कहीं नहीं जलाए जाओगे। जो मुहि जाने ताहि में जानो, लोक वेद का कहा ना मानो, विचार करो, करहु विचार। अगर हम विचार नहीं करते हैं तो हमारे जीवन से दुख विदा नहीं होगा। वाणी का विराम, थोड़ा सा भजन छोटा सा, क्योंकि हमारे साथी करें साहब एक भजन सुना दीजिए। तोहके मनई कदहिया, तोहके मनई कदहिया, बारंबार ना मिले अरे बोई बाबा बुरा तो, बोई बाबा बुरा तो खाई के अनार ना मिले, बोई बाबा बुरा तो खाई के अनार ना मिले, अरे अनार ना मिले भैया अनार ना मिले, बबुआ अनार ना मिले, बोई बाबा बुरा तो खाई के अनार ना मिले। तोहके मानव कतनवा, तोहके मानव कतनवा, बारंबार ना मिले बोई बाबा बुरा तो, बोई बाबा बुरा तो खाई के अनार ना मिले। जवन जवन करब तोहरे आगे आगे आई, जमन जमन करब तोहरे आगे आगे आई, छोड़ी के अनीति कैला नीति की कमाई, छोड़ी के अनीति कैला नीति की कमाई, करब करब नफरत, करब नफरत तोहके केहू से, करब नफरत तोहके केहू से, प्यार ना मिले बोई बाबा बुरा, अरे बोई बाबा बुरा तो खाई के अनार ना मिले, बोई बाबा बुरा तो खाई के अनार ना मिले। तोहके मनई कदहिया, तोहके मनई कदहिया, बारंबार ना मिले बोई बाबा बुरा तो, बोई बाबा बुरा तो खाई के अनार ना मिले। चोरी बेईमानी कैला सबके जू सताई की, चोरी बेईमानी कैला सबके जू सताई की, स्वार्थ के साथी सब मिली तो से धाई की, स्वार्थ के साथी सब मिली तो से धाई के, तोहरे
अरे तोहरे पपवा में, तोहरे पपवा में कोई हिस्सेदार ना मिले, तोहरे पपवा में कोई हिस्सेदार ना मिले। बोई बाबा बूरा तो, बोई बाबा बूरा तो खाई के अनार ना मिले, बोई बाबा बूरा तो खाई के अनार ना मिले। बनते हैं रिश्ते जबकि पैसे पास होते हैं, बनते हैं रिश्ते जबकि पैसे पास होते हैं, छूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। अरे तोहके मनाई कदहिया बारंबार ना मिले, बोई बाबा बूरा तो, बोई बाबा बूरा तो खाई के अनार ना मिले। एक दिन हंसा अकेला उड़ी जई है, एक दिन हंसा अकेला उड़ी जई है, कुटुम के लोग तोहरे पिजड़ा के जलई, कुटुम के लोग तोहरे पिजड़ा के जलई, खैबा ठोकर खैबा ठोकर तोहके कतौ घर दुआर ना मिले, बोई बाबा बूरा तो, अरे बोई बाबा बूरा तो खाई के अनार ना मिले, बोई बाबा बूरा तो खाई के अनार ना मिले। तोहके मानव कतनवा, तोहके मानव कतनवा बारम बार ना मिले, बोई बाबा बूरा तो, बोई बाबा बूरा तो खाई के अनार ना मिले। अंतिम लास्ट में कली क्या है, चार दिन की जिंदगी बा खुशी से बिताइल, चार दिन की जिंदगी बा खुशी से बिताइल, मन अभिमानी को भजन में लगाइल, मन अभिमानी को भजन में लगाइल, चार दिन की जिंदगी बा खुशी से बिताइल, मन अभिमानी को भजन में लगाइल। अरे बिना गुरु केहू के, बिना गुरु केहू के भव से बेड़ा पार ना मिले, बोई बाबा बूरा तो, अरे बोई बाबा बूरा तो खाई के अनार ना मिले, बोई बाबा बूरा तो खाई के अनार ना मिले। तोहके मानव कतनवा, तोहके मानव कतनवा बारम बार ना मिले, बोई बाबा बूरा तो, बोई बाबा बूरा तो खाई के अनार ना मिले, बोई बाबा बूरा तो खाई के अनार ना मिले। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, साहेब जिंदगी साहेब। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। एक निवेदन मैं कर रहा हूँ, जलपान बट रहा है, आप लोग जो जलपान नहीं किए जलपान ले लें, लेकिन यहाँ जलपान नहीं लाएंगे, जो करना है पंडाल के बाहर कर लेंगे, जो ला लिए हैं धीरे सूट करके बाहर जाकर यहाँ पर न करें, एक सभा की मर्यादा रखें। और एक दूसरा निवेदन, माता बहने जो नहा धो चुके हैं, तैयार हो चुके, जलपान भी कर चुके, थोड़ा सा भोजनालय सेवा में अपना हाथ बटा दें। माता बहन सिद्ध हस्त हैं पूड़ी बनाने में, उनसे निवेदन है पूड़ी बनाने में थोड़ा सहयोग कर दें। और भाई लोग के लायक थोड़ी सी शायद सब्जी का काम बाकी है, कुछ और मोटा काम बाकी, वो निपटा दें तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि हमारा आज का विशेष कार्यक्रम अभी होना है और इसी सत्र में गुरु पूजा का भी कार्यक्रम होना है, तो सभी के सभी संत भक्त यहाँ पर उपस्थित रहें गुरु पूजा के पर्व पर, तो भंडार का काम हमारा पूरा हो जाना चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग सहयोग कर देंगे तो जल्दी से हमारा भंडार तैयार हो जाएगा। यहाँ जलपान को ही नहीं लाएंगे, जो जलपान ला चुके हैं कृपा करके बाहर में जा करके करेंगे। आगे बताओ इनका। अभी आपको सूचना दी जा रही थी, अब कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच कबीर आश्रम कोछा से पधारे संत श्री सरल साहेब जी विराजमान हैं, आपसे निवेदन है आप माइक के सामने आएं और कुछ देर विचार
प्रस्तुत कर रहे हैं। हेलो, हल्ला बहुत हो रहा है, इस तरह से शोरगुल ना करें। माता बहने भक्त सज्जनों से निवेदन है कि आप सब हल्ला करें तो सद्गुरु के नाम पर जयकार की हल्ला करें और बातचीत कम करें। व्यवहारिक बातें बहुत हो रही है, घर में भी यही करते रहे और यहाँ भी आकर के यही करेंगे तो अच्छा नहीं है, इसलिए आइए परम पूज्य गुरुदेव जी मुद मंगलमय संत समाज आदरणीय भक्त सज्जनों माता बहनों नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे लिए आज्ञा हुई है कि आप सबकी सेवा में कुछ देर कुछ कहूँ। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब के अमृतवाणी है जिसको आप सभी जानते हैं, सभी लोग पढ़े हैं, सुने भी हैं, उसी को मैं दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोवे तू हंसता जा। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब इस दोहे में साखी में कहते हैं कि ए इंसान, जब तू इस दुनिया में पैदा हुआ, इस दुनिया में आए तो कैसे आए, क्या हंसते हंसते रोते रोते हम इस दुनिया में आए हैं। पूरे विश्व में कोई ऐसा प्राणी नहीं है मनुष्य के अलावा कि वे रोते रोते जन्म लेता हो। मनुष्य प्राणी ही एक ऐसा प्राणी है कि रोते रोते जन्म लेता है, इसलिए लोगों की मानसिकता होती है, कल्पना करते हैं कि मनुष्य ने वादा जो किया था वो भूल गया था इसलिए रोता है। ये क्या वादा किया था, गर्भ में था कहा तूने, ये कल्पना किया जाता है। गर्भ में था कहा तूने न भूलूंगा प्रभु तुझको, गर्भ में था कहा तूने न भूलूंगा प्रभु तुझको, भला तू जाकर अपना उसे क्या हम दिखाएगा। बच्चा जन्म लिया, जन्म लेते ही रो देता है, माताएं हंसती है, देखती है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, दो शब्द कह देते हैं। तो बच्चा रोता है तो माताएं सब हंसती हैं, अगर बच्चा नहीं रोता है तो माताएं रोने लगती है। क्यों, वो लोग समझ जाती है कि लगता है कि बच्चा नहीं है इसलिए रोने लगती है। लेकिन सज्जनों, हम अपना जीवन रोते रोते न बिताएं, थोड़े होश में आते हैं, धन खेलने कूदने के लिए रोते हैं, कुछ और होश में आते हैं, स्कूल जाते हैं, मास्टर की छड़ी देखकर रोते हैं, कुछ और जवान हो जाते हैं, शादी के लिए रोते हैं, जब शादी हो गई तो बच्चे के लिए रोते हैं, बच्चा अधिक हुआ तब रोते हैं, नहीं हुआ तब रोते हैं। ये इंसान ही एक ऐसे रोते रोते जीवन व्यतीत करता है, लेकिन ये हमारा जीवन नहीं, हमें
सदगुरु संतों के समक्ष जा कर के उनके सद्विचारों को, सद्गुणों को अपने जीवन में उतारें और जीवन में उतार करके इस जीवन को पवित्र बनाएं, सफल बनाएं। थोड़ी देर विचार के रूप में हुआ, एक भजन, छोटा सा भजन कहूंगा। आइए, इकट्ठे करे जहां के जरे, इकट्ठे करे जहां के जरे, सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर और निशा कुछ भी नहीं। तीन पद का भजन है। अरे का करी हो राई राई, का करी हो राई राई, पाई पाई जोड़ के उड़ जाए हैं सुगनवा, एक दिन पिंजड़वा का छोड़ के, उड़ जाए हैं सुगनवा, एक दिन पिंजड़वा का छोड़ के। का करी हो राई राई, पाई पाई जोड़ के उड़ जाए हैं सुगनवा, एक दिन पिंजड़वा का छोड़ के, उड़ जाए हैं सुगनवा, एक दिन पिंजड़वा का छोड़ के। छूट जाए हैं सोनवा के इभरा खजनवा, महला दुमहला छूटे छूटे तह खनवा। छूट जाए हैं माँ छूट जाए हैं सोनवा के इभरा खजनवा, महला दुमहला छूटे छूटे तह खनवा। घूम के न देखे तोरे, जो लाख और करोड़ की संख्या में अपने आप फिक्स डिपॉजिट कर रखे हैं, मरने के बाद वो घूम करके नहीं देखा ना, आप देख पाएंगे। घूम के न देखे तोरे, लाख करोड़ के उड़ जाई हैं सुगनवा, एक दिन पिंजड़वा का छोड़ के। उड़ जाए हैं सुगनवा, एक दिन पिंजड़वा का छोड़ के। का करी हो राई राई, पाई पाई जोड़ के उड़ जाए हैं सुगनवा, एक दिन पिंजड़वा का छोड़ के। जिस लड़के के लिए, जिस परिवार के लिए हम अथक परिश्रम करके इकट्ठे करते हैं, बैनामा करवाते हैं, वो कैसे रह जाते हैं। अरे भाई का न चिन्ह न चिन्ह महतारी के, छाती पीट पीट रोई है चिन्ह नहीं अपनी नारी के। भाई का न चिन्ह न चिन्ह महतारी के, छाती पीट पीट रोई है चिन्ह नहीं अपनी नारी के। ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए दुनिया से नाता तोड़ के, उड़ जाए हैं सुगनवा, एक दिन पिंजड़वा का छोड़ के। उड़ जाए हैं सुगनवा, एक दिन पिंजड़वा का छोड़ के। का करी हो राई राई, पाई पाई जोड़ के उड़ जाए हैं सुगनवा, एक दिन पिंजड़वा का छोड़ के। अंतिम कड़ी है। पाला सुगनवा भैया, पकड़े ना पकड़ाई, कितनो मनौ बापेर लौट के न आई। पाला सुगनवा भैया, पकड़े ना पकड़ाई, कितनो मनौ बापेर लौट के न आई। यही राही जाए धन, यही राही जाए धन, ककर बो बटोर के उड़ जाए हैं सुगनवा, एक दिन पिंजड़वा का छोड़ के।
उड़ जई हैं सुगनवा एक दिन पिंजड़वा कछोड़ के। का करी हो राई राई पाई पाई जोड़ के। उड़ जई हैं सुगनवा एक दिन पिंजड़वा कछोड़ के। उड़ जई हैं सुगनवा एक दिन पिंजड़वा कछोड़ के। बोलिए सदगुरु देव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु रविदास साहेब की जय। संत समाज की जय। साहेब अभी हम लोग